हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि गूगल एडसेंस ने आपको पिन जो है सेंड कर दिया है लेकिन आपको वो नहीं मिल पा रहा है तो अब आगे क्या करना है, आगे का प्रोसीजर क्या होगा वो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप अपनी, एक मिनट में आपको एडसेंस ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो पिन गूगल कब सेंड करता है, जब यहाँ पर आप अपनी आईडी जो है आइडेंटिटी वेरीफाइड करवा लेते हो किसी भी डॉक्यूमेंट के द्वारा, लाइक एज पैन पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के द्वारा जब आप अपनी आईडी वेरीफाई करा लेते हो तो उसके बाद ऑटोमेटिक गूगल एडसेंस आपको जो है पिन जो है सेंड कर देगा, जो कि यहाँ पर एक विंडो अपने आप ही ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक मेल भी आती है, मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। इसमें लिखा होता है कि जो है पिन गूगल्स ने आपको सेंड कर दिया है, यहाँ पर वो डेट होगी जब भी आपको सेंड किया गया होगा और आपको ये पिन 2 से, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 2 से 4 वीक के बीच में मिल जाता है। और ये अगर आप सिटी में रहते हो, कोई भी सिटी में, तो आपको ये 1 वीक के अंदर मिल जाएगा। अगर आप किसी विलेज में रहते हो तो ये 15-16 दिन के अंदर आपको मिल जाता है, या ज़्यादा ज़्यादा महीने के अंदर तो ये मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आप आगे क्या करना है, देखो अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो आप यहाँ पर नीचे ध्यान दो, इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। देखो योर एड, जो एड्स हैं विल बी स्टॉप, यानी आपकी जो एड है वो स्टॉप हो जाएंगी। कब स्टॉप होएंगी, विद इन 4 मंथ, यानी अगर आप पिन जो है वेरीफाइड नहीं कराते हो 4 महीने के अंदर, तो आप के चैनल्स पे जो ऐड आई हुई हैं वो बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसका वेट ही करते रहो और आपकी जो है एड्स जो हैं चैनल के ऊपर वो बंद हो जाए। तो अब इसके लिए करना क्या होगा हमें, यदि आपका 1 महीने के अंदर, ध्यान से सुने, यदि आपका 1 महीने के अंदर पिंस नहीं आ रहा है तो आप उसको रीसेंड करवा सकते हो, यानी दोबारा से मंगवा सकते हो। उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, बिल्कुल ही आसान सा प्रोसीजर है। तो हम अपने एडसेंस में आएंगे, एडसेंस में लॉगिन होने के बाद जहाँ होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे आपका यहाँ पर जहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, यानी यहाँ पर वेरीफाइड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पिन, यदि जैसे आपको पिन मिल जाता है तो भी हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और यदि हमने रीसेंड करवाना है तो भी हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ कि यू हैव 3 अटैम्प्ट रिमेनिंग, यानी यहाँ पर आपने पिन डालना है। पिन डालने के बाद वो जो आपके पास पिन होगा तो वो डाला जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास तो कोई पिन नहीं है। तो यहाँ पर नीचे देखो लिखा हुआ रीसेंड पिन, ठीक है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ध्यान से सुनो, यदि आपके पास पिन नहीं मिला है, आपको आपको नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने अभी क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर एक विंडो और खुलेगी। तो लिखा हुआ है एक डुप्लीकेट पिन विल बी सेंड योर एड्रेस, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इससे पहले रीसेंड कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं। यदि आपको पिन नहीं मिल पा रहा, उसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आपने एड्रेस गलत दिया होगा, या आपका जो पिन होगा वो गलत पर्सन को, जो आपका पोस्टमैन होगा या वो है, वो किसी इधर उधर को दे के चला जाता है। आप या तो नियर बाय में पता कर लो या अपने पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर लो, यदि फिर भी नहीं आया है तो ज़रूर आपका एड्रेस गलत होगा। तो रीसेंड करवाने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपना एड्रेस जो है वो चेक कर लें, या एड्रेस में कोई कमी है तो आप उसको ठीक कर लें। अब एड्रेस चेक कैसे किया जाता है, एड्रेस को चेंज कैसे किया जाता है, वो भी इसी वीडियो में बता देता हूँ मैं आपको, तभी हम रीसेंड पे क्लिक करेंगे। तो रीसेंड पे क्लिक करने से पहले आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है गूगल में कहीं भी, और जैसे आपकी आईडी का यहाँ पर लोगो आएगा, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट लिखा होगा। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक नई विंडो खुलेगी आपके सामने, यहाँ पर आपका जो है अकाउंट्स, गूगल का अकाउंट्स के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन है और डाटा पर्सनलाइजेशन, बहुत सारी ऑप्शन है, यानी आप यहाँ पर जाके देख भी सकते हो। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप जाके देख सकते हो कि आपने अपने क्या नाम फीड किया हुआ है, ठीक है, चैनल का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ समथिंग, सब कुछ आपका यहाँ पर दिखने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर आना है
पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन में, कहाँ पर आना है, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन में आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड पे यहाँ पर नीचे दिया गया है मैनेज पेमेंट मेथड, आपने इस पर क्लिक करना है। यदि समझ नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो बैक करके ज़रूर देखें कि कौन कौन से ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेन चार ऑप्शन होते हैं, सब्सक्रिप्शन, पेमेंट मेथड, एड्रेस एंड सेटिंग। तो आपने यहाँ पर एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये पेमेंट मेथड है, जो भी आपने बैंक डिटेल जो है ऐड की हुई है वो यहाँ पर शो होती है, जो भी आपने एडसेंस में ऐड की होगी। रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ऐड करना चाहना तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। फिलहाल हमने एड्रेस में जाना है तो एड्रेस पे क्लिक किया। एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपका शो होने लग जाएगा। एक मिनट, लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखो ये लीगल एड्रेस है आपका, और यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ऐड ना करो, क्योंकि जो आपका लीगल एड्रेस है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एड्रेस जो है किसी कारण से गलत हो चुका होगा। हाउस नंबर, गली नंबर, समथिंग कुछ भी अगर आपका चेंज हो रहा है या गलत हो रहा है आपको लगता है, तो आप इसको यहाँ पर नहीं चेंज कर पाओगे। तो उसके लिए चेंज करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आओ, सॉरी सॉरी नीचे नहीं, यहीं पर देखो, दिस इज़ अ लीगल सेट लीगल एड्रेस, इट कैन बी चेंज इन सेटिंग। यानी यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो सेटिंग में जाएं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे नहीं जी मैं तो यहाँ से नया एड्रेस ऐड कर देता हूँ, आपने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद यहाँ पर एक एड्रेस का आइकन और आ जाएगा, लेकिन जो आपका सेंड होगा वो इसी लीगल एड्रेस पर ही सेंड होगा, ठीक है। तो आपने इसको चेंज करना है, चेंज करने के लिए सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद अब आपने देखना है कि आपके एड्रेस में गलती कहाँ पर है। गलती मींस कि आपने नेम गलत डाला हुआ है, फादर नेम, समथिंग जो भी आपका यहाँ पर लगता है आपको कि आपने ये चीज़ यहाँ पर गलत कर दी है, ठीक है, नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पर एक एडिट के लिए ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करोगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो भी आपको लगता है कि मैंने नेम गलत डाल दिया है, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपको लगता है, हाउस नंबर, गली नंबर, रोड नंबर, फ़ोन नंबर या समथिंग जो आपको लगता है आपने गलत डाला हुआ, आप उसको ठीक कर लें। ठीक करने के बाद आप यहाँ पर इसको सेव कर दें, और सॉरी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद, ठीक है, अब आपने आना है अपने एडसेंस में। पहले आपने एड्रेस चेंज करना है। पहले मैं आपको बता दूँ, एड्रेस यदि आपका सही है और अगर आपने कोई भी चेंजिंग करने थे वो कर चुके हो, अब आप रीसेंड पे क्लिक करोगे। तो हमने रीसेंड पे क्लिक कर दिया, और अब अगेन एक विंडो खुली है, इस पर भी हम रीसेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, और यहाँ पर लिखा होगा ए डुप्लीकेट पिन विल बी सेंट इन योर, जो भी है आपके एड्रेस पे आपका जो है डुप्लीकेट एड्रेस जो है डुप्लीकेट पिन जो है वो सेंड हो गया। अब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है जो पहला पिन था वही आपको दोबारा मिलता है। ऐसा नहीं है पहली बार में कुछ और मिलेगा, दूसरी बार में कुछ और मिलेगा, और तीसरी बार में कुछ और मिलेगा। आप तीन बार अप्लाई कर सकते हो रिसेंट, यानी तीन बार आप अप्लाई करा सकते हो। यदि फिर भी नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको गूगल टीम से कंसल्ट करना पड़ता है मेल के द्वारा, तब आप उसको उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसमें आप रीसेंड करा सकते हो अपने पिन को, और जब आ जाएगा पिन कैसे डाला जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल हमारा पिन जो है दोबारा से हमने अप्लाई कर दिया है रीसेंड के लिए, और जिसको हमने अभी वेट करना है, कम से कम आपको 2 वीक तो वेट करना है। यदि फिर भी नहीं आता है तो आप दोबारा से रीसेंड करा सकते हो उसको। वैसे आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, एक बार में चलो नहीं आता, दो बार में आ जाता है, दो बार में भी नहीं आता तो तीसरी बार में ज़रूर आता है, और तीसरी बार में भी नहीं आता तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि गूगल एडसेंस को कैसे रीसेंड करवाया जाता है, कैसे मंगवाया जाता है। तो जैसे आपने रीसेंड के लिए क्लिक किया होगा तो आपको एक मेल भी आ गई होगी। तो जैसे हमने क्लिक किया तो वापस एक मेल आ गई हमें, सेम वही मेल आती है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पर वही लिखा कि हमने आपको पिन जो है सेंड कर दिया है। यहाँ पर देखो वो डेट आ गई, यानी आज की डेट है, यानी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 नवंबर को बनाई है मैंने ये, तो इसलिए आज की डेट आई हुई है। तो उसके बाद वही दोबारा से वही इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको पहले बताया था, वही इंस्ट्रक्शन शो होने लग जाए, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कि गूगल पिन यदि आपको नहीं मिल रहा है तो उसको रीसेंड कैसे करें,
किस वजह से नहीं आ रहा है वो भी मैंने आपको बताया। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।